हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं परवल की एक बहुत स्वादिष्ट एंड पौष्टिक रेसिपी, जो आप घर पर भी कम सामानों के साथ ही बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इनमें हमने ज़्यादा मसालों का भी यूज नहीं किया है, इसलिए पौष्टिक भी है। तो एक बार आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आप परवल की सब्जी खा के बोर हो चुके हैं तो एक बार ये विधि ज़रूर ट्राई करके देखें। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे हमने इन सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई गरम कर लेंगे गैस पे। जब कढ़ाई हमारे अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे तेल। जब हमारा तेल अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे जीरा। जीरा को हमें अच्छे से चटकाना है गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए फ्रेंड्स, जब जीरा अच्छे से चटक जाए तब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज। ये देखिए, इसे हमने लंबे पतले स्लाइसों में काट के यूज किया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमने इसे मिक्स कर दिया है। अगर आपको प्याज ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें फ्रेंड्स। और हमने इसमें 2-3 हरी मिर्चों का यूज किया है, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के यूज किया है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप और ज़्यादा डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमने 2-3 हरी मिर्चों का ही यूज किया है। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है फ्रेंड्स, ताकि प्याज अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए, इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, हाई पे नहीं करेंगे, वरना ये जल जाएगा और अच्छे से पका नहीं रहेगा तो इसका स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। और इसे अच्छे से दोनों तरफ से पका लें, बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये चिपक सकता है। हमारा प्याज ना जले इसलिए हम बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। अच्छे से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें सब्जियाँ ऐड करेंगे। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देते हैं परवल। इसे हमने पतले लंबे स्लाइसों में काट लिया है फ्रेंड। ये देखिए, अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। हमने इसका दाना निकाल लिया है और पतले लंबे स्लाइसों में काट लिया है। आपको जो भी शेप हो उसमें आप काट सकते हैं, आपको जो भी शेप पसंद हो इसका उस शेप में। ये देखिए, अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और इसे 50% तक हम पकाएंगे, जिसे अच्छी तरह से पक जाए। बाकी हम मसाला डालने के बाद पकाएंगे इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर दिया है और इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, हाई पे नहीं पकाएंगे। इसके लिए हम इसे ढक के रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं हमारा परवल कितना पका है। देखिए फ्रेंड्स, ये 50% तक पक चुका है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे हम। देख सकते हैं आप कि इसका कलर चेंज हो रहा है, मतलब लगभग 50% तक पक ही चुका है। तो इसमें हम अब सारे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। ये देखिए, फिर हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। हमने यहाँ कलर पाउडर का यूज किया है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप तीखा वाला भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे फ्रेंड। ये देखिए, अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देंगे हम। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर का यूज किया है। अगर आपको हल्दी पाउडर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आपको चटपटी टेस्ट चाहिए तो आप इसमें चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने यूज नहीं किया है।
देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें गरम मसाला और बाकी ज़्यादा मसालों का यूज नहीं किया है, इसलिए हेल्दी है। हमने हेल्दी ही रखा है इसको। बहुत लोग कहे होता है ना कि वो गरम मसाला नहीं खा सकते, अवॉइड करना होता है उनको, तो इसलिए हमने यहाँ पर नहीं किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसे तब तक पकाना है जब ये अच्छी तरह से तेल ना छोड़ दे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बीच हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, हम हाई पे इसे नहीं पकाएंगे वरना अच्छी तरह पकेगी नहीं, कच्ची ही रह जाएंगी, इसलिए हम इसे लो टू मीडियम हाई पे ही पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी प्यारी लग रही है। आप इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई करके देखें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि सब्ज़ी आपको कैसी लगी, और मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मेरी फर्स्ट रेसिपी है जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी रेसिपी लाते रहूं। ये देखिए फ्रेंड, कितनी प्यारी लग रही है। आप इसे किसी चीज़ के साथ भी परोस सकते हैं, आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, सबके साथ ये अच्छा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल छोड़ने लगा, मतलब लगभग पक चुका है। मैं एक विलेज से ही बिलोंग करती हूँ फ्रेंड्स, इसलिए आपके पास सिर्फ देसी तरीक़े से ही बना के और ये रेसिपी लाई हूँ। आप इसे अच्छे से पका लीजिएगा फ्रेंड्स, बीच से कच्चा नहीं होनी चाहिए, और जितना अच्छे से पकेगा उतना ही अच्छा बनेगा, स्वाद भी इसका अच्छा आएगा। हम गैस का फ्लेम बंद कर लिए हैं, इस टाइम आप इसमें धनिया पत्ती डाल सकते हैं, मेरे पास ये नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा तैयार हो गया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।